नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे काम तथा समय से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इन प्रश्नों को हल करने का मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा आसान तरीका आपको बताऊंगा, ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकें। बताइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया, ए व बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए और बी हैं वो दोनों मिल करके 15 दिन में काम को पूरा करते हैं। यदि बी अकेला उसे 60 दिन में पूरा करे तो ए अकेला उसे उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि ए और बी जो है मिल करके एक काम को 15 दिन में करते हैं, और बी उस काम को अकेले जो है 60 दिन में करता है, तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब देखिए, ए और प्लस बी एक काम करते हैं कितने दिन में, 15 दिन लेते हैं एक काम को पूरा करने में, और उसी काम को पूरा करने में बी जो है कितने दिन लेता है, 60 दिन। 60 दिन, तो इन दोनों का जो हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, यानी कि ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। देखिए, 15 चौक 60 और 60 एक 60, तो देखिए अब बी जो ए बी है, 60 भाग तो ये हो गया हमारा पूरा काम हो गया 60 भाग। अब ए और बी मिलके करते हैं कितने दिन में, 15 चौक 60, यानी कि एक दिन में जो है 4 भाग करते हैं वो, किसी काम का 4 भाग जो है एक दिन में कर लेते हैं ए और बी मिल करके। अब देखिए, बी जो है कितने दिन में करेगा, एक दिन में जो करेगा 60 एकन 60, यानी कि 1 भाग करेगा। तो अब देखिए, उसमें कह रहा है कि 60 दिन पूरे, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, यानी कि देखिए एक दिन में दोनों मिलके करते हैं 4 भाग, ठीक है, और बी जो अकेला करता है कितना, 1 भाग, तो ए का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी जो एक दिन में करते हैं 4 भाग, ठीक है। अब बी अकेला करता है कितने भाग करता है, 1 भाग, तो ए अकेला कितना करेगा, तो ए करेगा, ए बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3 भाग, तो ये अकेला कितना भाग करेगा, 3 भाग करेगा एक दिन में। अब वो कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम जो कितना है हमारा, 60 यूनिट के बराबर है पूरा काम, 60 यूनिट के बराबर, और एक दिन में कितना करता है, 3 भाग, तो हम 60 का ए अकेला करेगा कितने दिन में। देखिए, 60 में जो है हम 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक दिन का काम है, पूरा काम है, तो दिन निकल आएंगे। देखिए, 6 दूनी 3 दूनी 6 और 0 के 0 या 20, यानी कि ए को अकेले करने में टाइम लगेगा, कितने लगेगा, 20 दिन। 20 दिन में जो है ए अकेले उस कार्य को कर सकता है। तो आशा करता हूँ आपकी ट्रिक जो है, एक सॉल्व करने का तरीका जो समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राम किसी काम को 10 दिन में करता है, श्याम उसे 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। देखिए, राम करता है कितने दिन में, 10 दिन में, और श्याम उसे कितने दिन में करता है, श्याम करता है 15 दिन में, तो 15 दिन, इन दोनों का हम जो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों से पूरी पूरी कट जाती है, तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, तो 30 जो हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा टोटल यूनिट, 30 यूनिट काम जो है टोटल है, इतना काम टोटल है। अब देखिए, राम का एक दिन का काम, एक यूनिट काम एक दिन का निकालेंगे, तो 10 तिया 30, 3 भाग, एक दिन में कितना करेगा, 3 भाग काम, इस पूरे का 3 भाग जो वो एक दिन में करेगा। इसी तरह श्याम जो कितना करेगा, तो श्याम करेगा 15 दूनी 30, यानी कि 2 भाग। राम तो करेगा एक दिन में 3 भाग, और श्याम जो करेगा एक दिन में 2 भाग, तो अब वो पूरा दोनों मिल करके जो कह रहा है, दोनों मिल करके पूरा काम दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो देखिए ये दोनों जो मिल जाएंगे तो 3 और 2 5 भाग करेंगे एक दिन में, 5 भाग एक दिन में करेंगे, इनकी कैपेसिटी है तो कितनी हो जाएगी एक दिन की, 5 भाग, और टोटल काम कितना है, 30 भाग, तो 30 बटे 5, 5 से काट देंगे, 5 6 30, यानी कि 6 दिन। अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो 6 दिन में जो है उपकार्य को समाप्त कर देंगे। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ए किसी काम को
किसी काम को 1/4 भाग, यानी किसी काम का 1/4 भाग जो 5 दिन में करता है। बी उसी काम का 1/5 भाग कितने दिन का, 6 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को करने में कितना समय लेंगे, यानी कि एक काम है, यानी कि ए, देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं हम, एक काम है जैसे 1/4 भाग, 1/4 भाग वो कितने दिन में करता है, 5 दिन में, 5 दिन में करता है। और इसी तरह से ये 1/4 भाग है किसी भाग का चौथा हिस्सा है, जैसे एक ये होता है, अब ये हमने बना दिया तो इसके 4 भाग हो गए, ठीक है। 4 भाग में 1/4 भाग, एक भाग 1/4 भाग, अगर हम 2 करेंगे इसे तो 2/4 भाग, यानी कि पूरा काम, पूरा पूरे जो खाने हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो जब करते जाएंगे, जैसे एक हो गया ये, तो 1/4 भाग, 2/4 भाग, यानी कि और ये करेंगे तो हम लिखेंगे 3/4 भाग, 3/4 भाग लिखेंगे, ठीक है। और इसे पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4 भाग, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि पूरा काम हो गया 1। तो 4 भाग जो है वो पूरा काम है। इसी तरह इसमें जो दिया है 4, 1/4, यानी कि 4 जो है पूरा काम है और 5 जो है वो पूरा काम है। तो हम कैसे करेंगे, ए का काम कितना, 1/4 भाग, 1/4 भाग कितने में करता है, कितने, 5 दिन में, यानी कि किसी काम का 1/4 भाग जो है 5 दिन में करता है। तो वो क्या पूरा काम कितने दिन में करेगा, 1/4, 4×5 20, यानी कि 20 दिन में, 20 दिन में करेगा, ठीक है। इसी तरह बी जो करता है 1/5 भाग करता है, कितने दिन में, किसी काम का 1/5 भाग वो करता है 6 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 6×5 30 दिन में, 30 दिन में, यानी कि 1/5 भाग ही तो करता है, पूरा काम कितना हुआ, 5। तो 5 पूरा काम है, एक काम 1/5 भाग करता है 6 दिन में, तो पूरा काम करेगा 30 दिन में, ठीक है। तो ये निकल गया इनका, इनकी ए और बी का, ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में पूरा काम। तो पूरा काम करते तो हम यहाँ लिखते हैं ए 20 दिन में और बी जो है कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो इन दोनों का जो हम एलसीएम ले लेंगे तो 30 × 60 आ गया, पूरा काम कितना हो गया, 60 काम हो गया पूरा। अब ए देखिए, एक दिन में 1×20 = 60, यानी एक दिन में कितना करेगा, 3 भाग, ठीक है। और बी जो कितना करेगा, 30×60, यानी कि 2 भाग, ये एक दिन का काम निकला। ए करेगा एक दिन में 3 भाग काम और बी जो करेगा एक दिन में 2 भाग काम। अब तो दोनों पूछ रहा है, दोनों मिलकर, यानी कि दोनों जो मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलेंगे 3×5 भाग करेंगे एक दिन में, 5 भाग करेंगे, और पूरा काम कितना है, 60। तो 60/5 हो जाएगा, 5×12 = 60, यानी कि 12 आ गया आंसर, यानी कि 12 दिन जो है उन्हें लगेंगे पूरे काम को करने में। तो ये जो हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ आएंगे, ट्रिक भी, इस ट्रिक की सहायता से आप रिवीजन करने के लिए कुछ प्रश्नों को हल करिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।